रिलेटिव ही तो थे, पहली बार रिश्तेदारों ने अच्छा काम किया। सो हेलो राइडर चेतन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 और आज हम करेंगे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट। और परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे इसके जो रूल्स होंगे वो थोड़े से चेंज हैं, क्योंकि भाई ये गाड़ी थोड़ी सी हल्की है तो हम इसे 0 to 150 नहीं भगाएंगे, 0 to 100 और सॉरी 60 to 100 दो दो राउंड करेंगे दो चीज़ के, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरी जर्नी में एसी बंद रहेगा और हम दो जने बैठे रहेंगे, मतलब मैं और मेरा दोस्त। इसका वेट 80 kg और मेरा वेट 72 kg है। हाइट 5'8" और 5 थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलो एक बार मैं आपको इसके इंजन दिखा देता हूँ और इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये है लगभग 2009 मॉडल है और लगभग 1,90,000 के आसपास चल चुकी है। और आज हम करेंगे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट, आप देख सकते हैं। भाई दिखा दिए एक मिनट, नब्बे हज़ार चल चुकी है और लगभग 12 साल पुरानी है। तो इसलिए मैं आज इसका एक्सेलरेशन टेस्ट करूंगा, एक तरीके से परफॉर्मेंस टेस्ट, कि अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं इतनी पुरानी तो आप कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एस की ये मर जाती है, नहीं मरती है। तो और इसका कंपैरिजन कर दूंगा मैं वैगनार से। वैगनार का केवल मैं आपको वो दिखा दूंगा कितने सेकंड में भागी है, ठीक है। उसकी वीडियो थोड़े बाद में आएगी, वैसे मैंने बना ली है। तो एक बार मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। सो ये है हमारी गाड़ी का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 46 horsepower और क्या बोलते हैं 62 Nm का टॉर्क। और आप देख सकते हैं 12 वॉल्व आते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिलेंडर देखना है बस हमें। सिलेंडर इसमें तीन आते हैं, थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। बंद कर दो भाई, स्टार्ट है। से भगा करके आए और कसम से भाई इतनी प्यारी गाड़ी भागती है ना, 0 to 100 एकदम जैसे छोटा रॉकेट नहीं होता ना भाई, एकदम रॉकेट है 0 to 100। और इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको वैगनार से कंपैरिजन करके दिखा दूंगा, आप वैगनार से कंपैरिजन साइड बाय साइड नहीं वैसे दिखा दूंगा कि वैगनार इतने सेकंड में हमारी भागी और ये इतने सेकंड में भागी, ठीक है। और आप इसका देख लीजिए, अगर आपको एक ये गाड़ी लेनी है और आपको सिंगल हैंड यूज़र वाली मिलती है और उसका जैसे इसकी सर्विस प्रॉपर जो जिनने भी ये ली थी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी, इसके रिश्तेदारी थे एक तरीके से, वो भाई रिलेटिव ही तो थे, पहली बार रिश्तेदारों ने अच्छा काम किया। तो भाई पूरी सर्विस मेंटेन गाड़ी है, कोई इशू नहीं है, वो थोड़ी बहुत फर्स्ट ईयर में चूचू चूचू की आवाज़ आती है, बाकी खैर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेशन की बात करता हूँ मैं तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डबल हॉर्न है, चलते हैं।